बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। थाने में शिंदे के घर के बाहर इस वक्त कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जाहिर है सुरक्षा को लेकर चिंता बार बार एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जताई गई थी। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके साथ जितने भी और बागी गुट के विधायक हैं वो भी ये कह रहे थे कि हमारे परिवार वालों से सुरक्षा ले ली गई है। इस बीच शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एकनाथ शिंदे गुट लगातार जहां विरोध अपना जारी रखे हुए है, बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल के दिन जो उदय सामंत महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो भी अब शिंदे के खेमे में पहुंच गए हैं। 39 अब जो बागियों की संख्या शिवसेना की है वो पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार खासतौर पे शिवसेना की तरफ से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। तो वहीं मुंबई से सटे ठाणे में भी शिंदे के जो समर्थक हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। और आज आनंद आश्रम जो काफ़ी ज़्यादा आनंद दिखे के समर्थक और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के लिए एक मंदिर समान है, वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में। और उसको देखते हुए मुंबई पुलिस की ठाणे पुलिस की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं ताकि जो एकनाथ शिंदे के समर्थक है वो यहां पर किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट कर सके। आपको बता दें कि ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर उनके समर्थक हैं। अभी कल के ही दिन यहाँ पर भारी संख्या में जो एकनाथ शिंदे के समर्थक थे वो इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा था कि आपका जो भी डिसीजन है साहब हम आपके साथ हैं। उन लोगों का साफ तौर पे समर्थकों का ये कहना है कि शिवसेना के अगेंस्ट एकनाथ शिंदे नहीं है, लेकिन जो हिंदुत्व की विचारधारा थी बाला साहब ठाकरे से उससे भटक गई। आप देखें काफ़ी अच्छी खासी जगह है, ये एक चौक चौराहा थेम्बी नाका इसको कहते हैं जहाँ पर ये आनंद आश्रम है और यहीं पर वो लोग इकट्ठा होने वाले हैं। 10 बजे ठाणे के थेम्बी नाका में जो आनंद आश्रम आनंद दीघे के लिए खास तौर पर बनाया गया है वहाँ पर जो एकनाथ शिंदे के समर्थक इकट्ठा होने वाले थे उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई चली जा रही है। आप सामने देखिए राइट कंट्रोल पुलिस है, हाथों में टीयर गैस का जो गन है वो भी इनके दिखाई देगा और साथ में टीयर गैस के जो कार्टेज होते हैं जिस बॉक्स में वो भी आपको दिखाई देगी। और ये खास तौर पर इसलिए भी यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि शायद जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो अपना आपा ना खो दें, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आपको दिखा दें वो जो रास्ता है थेम्बी नाका से जो सीधे यहाँ की तरफ आश्रम की तरफ आता है उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ठाणे पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, फेंसेस लगाए जा रहे हैं जहाँ कहीं भी बीच में बैरिकेड के जो गैप्स हैं देखिए अगर टूटे हुए हैं तो उनमें से लोग घुसकर आनंद आश्रम के सामने इकट्ठा ना हो पाए इसलिए उसको रस्सियों से नायलन के रस्सियों से कवर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, राइट कंट्रोल पुलिस खुद यहाँ पर आ गई है। खास तौर पर ठाणे ग्रामीण का जो इलाका है वो भी खास हो जाता है जो इसी ठाणे शहर से सटा हुआ है क्योंकि वहाँ पर धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है। खास तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने खुद कहा है कि कानून सबके ऊपर लागू होता है सड़क पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में बागियों की अर्जी पर भी सुनवाई शुरू होगी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में अपना पक्ष सरकार का पक्ष रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जी, सुरक्षा की मांग की गई थी इसलिए जो केंद्र की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपीयर होंगे कोर्ट में और थोड़ी देर में शिंदे गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली। इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई, पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।